नंबर 5 कंप्लीट किया राइट right? तो पेज नंबर 5 पे कौन सा अल्फाबेट्स है मिनी अल्फाबेट्स सी ए एंड डी ओके तो सी की हेल्प से हमने ए करना सीखा और ए की हेल्प से हमने डी लिखना सीखा राइट right? एक बार देख लेते हैं सी कैसे बनता है स्लैंट एंड कर्व लाइन हमने सीखी थी राइट लाइक दिस फिर यहां से करेंगे सी जैसे स्मॉल लेटर सी होता है ओके तो ये बन गई है सी बी सी की हेल्प से हमने क्या सीखा था ए ए फॉर एप्पल वन स्लैंट एंड कर्व लाइन सी फिर यहां से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे ऐसे तो ये बन गया ए और ए की हेल्प से हमने क्या करना सीखा था डी डी फॉर डॉग ओके तो यहां से फिर हम लोग ए बनाएंगे स्लैंट एंड कर्व लाइन सी फिर ए में नीचे हम लोग आते हैं ऐसे नीचे ले आएंगे ऊपर की तरफ लाइन ले जाएंगे फिर नीचे आएंगे और थोड़ा सा कर्व करेंगे तो सी ए और डी हमने प्रीवियस वीडियो में लिखना सीखा ओके मिनी कर्व लेटर आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 6 तो ये पहले तो आपको लिखना आना चाहिए सी ए एंड डी ओके उसके बाद ये पेज नंबर 6
बाद अगर कोई लेटर लीक हो तो आपको वो लेटर कैसे स्टार्ट करना है वो आपको पता चलेगा। डॉट आप लोग बाद में करोगे, ये पहले लिख लेना है उसके बाद ही डॉट करना है। ओके, एक चेहरे के ऊपर लिंक के ऊपर डॉट ऐसा नहीं कर रहे, दोनों पहले कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद क्या क्लास में ऊपर डॉट करोगे, तो ये बन गया जी नीचे। नाउ फाइव, नंबर फाइव पे आप देखो जी लिखा है जी। ओके, तो अभी हम लोग जी कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो जी करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं उसी को फॉलो करेंगे हम। तो पहले क्या करना है सी। ओके, सी करना है आपको ऐसे डन। ठीक, हम लोग ए कैसे करते हैं, सी में से ए कैसे बनता है, यहाँ पे ऊपर जाते थोड़ा आपको ऊपर को तो अभी हमें यहाँ पे जी बनाना है। तो यहाँ से आप नीचे आओगे फिर को करके स्लैंट लाइन बनाओ लाइक दिस, तो ये बन गया जी। ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कैसे ये पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए तब तक आपको अपनी पेंसिल वहां से उठानी नहीं है। ओके, लाइक दिस स्लैंट एंड कर्व लाइन सी, फिर ऊपर जाके थोड़ा नीचे आना है एंड ये कर्व बनाना है, ऐसा चीज आपको बनाना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सी है फिर ए बनाया है, फिर यहाँ पे नीचे आके ऐसे ऊपर, यहाँ पे एरोस भी आपको दिए गए हैं यानी कि फ्लो आपको बताया गया है। तो ये आप प्रेसिंग करोगे लाइक दिस, अच्छे से ड्रेसिंग भी करना है। और फिर ड्रेसिंग करने के बाद नेक्स्ट टाइम में आप लिखोगे स्मार्ट एंड गो, फिर सी ए वाला नीचे आना है पिंक लाइन का एंड गो एंड स्मार्ट लाइन डन। और ये लाइन यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए। ओके, जहाँ पे चीज कंप्लीट होता है वो यहाँ पे दो लाइन पे टच नहीं करोगे। कैसे जी बनाना है स्लैंट एंड कर्व लाइन सी, यहाँ पे नीचे आना है कर्व एंड स्लैंट लाइन अभी, तो ये बन गया जी। ये डबल जी है यहाँ पे। ओके, तो जी के बाद कोई भी मेटर हम लोग लिखते हैं तो वहीं से स्टार्ट जहाँ पे हमने खत्म किया है यहाँ पे जी खत्म होता है और वहीं से कोई भी दूसरा लेटर परसों का स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोग जी ही लिख रहे हैं। प्रेसिंग करोगे आप ऐसे प्रॉपरली जी को। ओके, आप देख सकते हो कि मैं दोनों कंप्लीट होने के बाद भी अपने को उठा रही हूं, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। फिर ये प्रेसिंग करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे लिखना है डबल जी लाइक दिस। ओके, गॉट इट। आप लोग एकदम आराम से पूरा ड्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे लिखना, अगर फिर भी नहीं आता है तो रफ नोट में प्रैक्टिस करके बुक में लिखना। ओके, बुक में अच्छे से राइटिंग में अच्छे से कर्व बना के लिखना है आपको। नाउ सिक्स, तो सिक्स में है क्यू। ओके, तो क्यू भी एकदम इजी है, यहाँ पे देख सकते हो सी फिर ए फिर यहाँ पे नीचे आना है और थोड़ी सी स्लैंट लाइन करना है। इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। ऊपर जाना है, नीचे स्टैंडिंग लाइन बनानी है और उस तरफ थोड़ी सी स्लैंट है। Are you done? Okay? C, फिर A, then here, okay, standing line and slant line, इधर slant line। फिर ये आपको ड्रेसिंग करना है यहाँ पे। ड्रेसिंग करने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे स्लैंट एंड कर्व, फिर सी बनाना है, थोड़ी ऊपर लाइन ले जानी है, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन लानी है पिंक लाइन का, फिर थोड़ी सी स्लैंट लाइन यहाँ पे ब्लू लाइन को टच होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है वहां तक की वो स्लैंट लाइन आपको करनी है। स्लैंट थोड़ा सा कर्व सी ऊपर ले जाओ लाइन, वहां से नीचे तक स्टैंडिंग लाइन पिंक लाइन तक एंड स्लैंट लाइन।
एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ Q O C like this, नीचे आना है स्टैंडिंग लाइन के यहाँ पे स्लैंट लाइन, तो ये है मीनिंग क्यू फर्स्ट का। यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के स्टूडेंट आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ये दिखा, तो आपको भी ऐसे लिखना है। ऊपर वाला जो लेटर लिखा गया है एग्जैक्ट उसी के नीचे आप लिखो, ओके। तो यहाँ पे डबल क्यू है, डबल क्यू मीन्स के क्यू लिखने के बाद अगर कोई भी पर्सन का लेटर आपको लिखना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, ये क्यू अभी मैंने एंड कहाँ पे किया, यहाँ पे, तो अभी दूसरा मुझे कोई लेटर लिखना है तो मैं ये लाइन जो है वो ऊपर तक ले जाऊंगी यहाँ तक, ओके। हमारा क्यू यहाँ तक ही है तो मुझे दूसरा क्यू लिखना है तो मैं दूसरी लाइन का, यानी कि जो ऊपर वाली ब्लू लाइन के वहां तक स्लैंट लाइन ले जाऊंगी, उसके बाद ये क्यू ऐसे लिखूंगी और ये जो लाइन है वो लास्ट वाली ब्लू लाइन तक ही होगी। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, आप देख बुक में अच्छे से लाइन सेट करके कौन सी लाइन पे बनना है, ओके। ये क्यू बना हमारा पहला, यहाँ तक क्यों बना, अगर दूसरा लिखना है तो वहीं से ऊपर तक जाना, ऊपर वाली ब्लू लाइन और ये टॉप बना के दूसरा क्यों बनाना है, दूसरे की स्लैंट लाइन तो यहाँ तक ही होगी, ऐसा ही बनेगा, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखे ये बनना है और एक प्रॉपर ट्रेसिंग करने के बाद भी स्टूडेंट आप नेक्स्ट टाइम पे ये लिखो, तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो है वो ब्लैक लाइन, लास्ट वाली लाइन रिसर्च कैंप के स्टूडेंट ये लास्ट वाली लाइन के बाद आप क्या लिखोगे, ये डबल क्यू, ओके। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, मेरे पास यहाँ पे स्केच नहीं है, मैंने ड्रॉ नहीं की है और मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये जो डबल क्यू है वो आपको लास्ट वाली लाइन में लिखना है, एंड रिपीटिंग अगेन लास्ट वाली लाइन में यही आपको ट्रेसिंग करके डबल क्यू लिखना है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने सीखा पेज नंबर सिक्स पेज ए जी एंड क्यू, ये हम लोग अल्टरनेट लेटर क्यों ले रहे हैं, बुक में अल्टरनेट लेटर दिए गए हैं क्यों, क्योंकि ये कर्व वाइज आपको लेटर दिए गए हैं, आगे वाले कर्व का यूज करके लेटर्स कैसे बनते हैं आप देख सकते हो, एक्सटेंडिंग लाइन जो है उसका यूज करके इसे बना, ओके। फिर यहाँ पे सी ए वैसे लेटर का यूज करके जी बना, क्यू बना, ओके स्टूडेंट। तो कर्व वाइज ये लेटर दिए गए हैं आप लोग पे पेज नंबर फोर पे जो नाइन से वो पहले नाइन आप सीखो, उसी के बाद पेज नंबर फाइव और सिक्स जो हमने सिक्स नंबर वाला आज किया वो बुक में कंप्लीट करो, ओके। फिर भी आपको नहीं आता है तो रफ नोट पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ही बुक में दिखेगा अच्छे से राइटिंग, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।